नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। हिमाचल अनलॉक होगा या बढ़ेगा कोरोना कर्फ्यू, कल सुबह मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला। हौले हौले कोरोना को मात दे रहा हिमाचल, आज प्रदेश भर में 1309 केस। 18 प्लस की वैक्सीनेशन पर कांग्रेस ने फिर घेरी सरकार, जनता को गुमराह करने का जड़ा आरोप। किन्नौर के पानवी संपर्क मार्ग पर खाई में गिरी बोलेरो, दो लोगों की मौके पर ही मौत। सिविल अस्पताल तीसा की स्टाफ नर्स ने लगाया फंदा, क्वार्टर में लटकी मिली लाश। ऊना पुलिस ने महतपुर में रेस्टोरेंट मालिक के घर से पकड़ी पंजाब मार्का की बियर, केस दर्ज। दिल्ली में बाहरी राज्यों के पशुपालकों की घुसपैठ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिए सैकड़ों मवेशी। किन्नौर में काशंग नाला के पास NH5 बंद, पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। हिमाचल में बारिश के साथ ओलावृष्टि, मैदानी इलाकों में अब 29 मई तक साफ रहेगा मौसम। और अब खबरें विस्तार से। कोविड की मौजूदा स्थिति पर समीक्षा कर सरकार कल नए फैसले लेगी, साथ ही बैठक में अनलॉक पर भी विचार किया जा सकता है। देखें विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने सोमवार सुबह एक बार फिर से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। देखना ये है कि सरकार अनलॉक शुरू करती है या फिर कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाती है। जिस तरह के संकेत स्वास्थ्य विभाग ने पिछले कल अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से सरकार को दिए हैं, उसमें साफ है कि कोरोना संक्रमण के मामले अब धीरे धीरे कम हो चुके हैं। दूसरी ओर कई राज्य ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है और हिमाचल भी यही विचार कर रही है, लेकिन सरकार पर कई वर्गों का दबाव है। ऐसे में सबकी निगाहें कल होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक पर टिक गई है। कोरोना संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए रविवार का दिन सुखद रहा और शाम 7 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन में कुल 1309 नए मामले दर्ज किए गए। देखें ये कोरोना अपडेट। हिमाचल में रविवार को कोरोना वायरस से 59 मौतें हो गई, जबकि 1309 लोग संक्रमित पाए गए। रविवार शाम 7 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन की बात करें तो 4000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी की है। सबसे ज्यादा 1152 लोग कांगड़ा जिला में ठीक हुए और सुखद ये भी है कि जिला में महज 222 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि रविवार को सबसे ज्यादा 245 मामले सोलन जिला में कोरोना संक्रमण के पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेश में अब लगभग 26,000 एक्टिव केस रह गए हैं, जबकि 2,752 मौतें अब तक प्रदेश में हो चुकी हैं। 18 प्लस की वैक्सीनेशन पर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथ लिया है और टीकाकरण के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप जड़ा है। रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार पर आरोप जड़ा है कि वैक्सीनेशन के नाम पर युवाओं को ठगा जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए युवाओं को इधर से उधर भटकाया जा रहा है। सीमित अवधि में रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 15 मिनट में स्लॉट का पूरा हो जाना कोरोना से युवाओं की सुरक्षा का एक मजाक बनकर रह गया है। उन्होंने हैरानी जताई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वैक्सीनेशन के लिए युवाओं को एक जिले से दूसरे जिले व दूरदराज के क्षेत्रों में सेंटर प्रदान किए जा रहे हैं। बेहतर होता कि युवाओं को घरों के नजदीक वैक्सीनेशन सेंटर प्रदान किए जाते। जनजातीय जिला किन्नौर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की जान चली गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। हादसे की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। किन्नौर जिला के पानवी संपर्क मार्ग पर शनिवार रात एक बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। गाड़ी में कुल 4 लोग सवार थे। पुलिस के मुताबिक दुर्घटना में पानवी निवासी राजकुमार व अमित की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार फॉरेस्ट गार्ड विपिन कुमार व उनकी बेटी परी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रविवार को स्थानीय लोगों की मदद से शवों को दुर्घटना स्थल से बाहर निकाला गया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच आरंभ कर दी है। तीसा में शनिवार रात ड्यूटी से लौटने के बाद एक नर्स ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रिया दुग्गल गांव कुवाड़ी के रूप में हुई है। सिविल अस्पताल तीसा में तैनात स्टाफ नर्स ने शनिवार रात अपने निजी क्वार्टर में फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस को मौके पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। डीएसपी सलोनी शेर सिंह ने बताया कि घटना को लेकर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है। कोरोना संकट के बीच शराब और बियर का अवैध धंधा भी खूब चल रहा है। ताजा मामले के तहत पुलिस ने महतपुर में बड़ी मात्रा में पंजाब मार्का की बियर पकड़ी है। ऊना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर महतपुर में एक रेस्टोरेंट मालिक के घर से बियर की खेप बरामद की है। अवैध रूप से बियर रखने पर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ऊना थाना प्रभारी सरबजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक के घर पर छापा मारकर बियर के 98 कैन बरामद किए हैं। पुलिस ने पाया कि 2 पेटी बियर कमरे में रखी हुई थी, जबकि अन्य बियर के कैन फ्रिज में लगा रखे थे। सभी बियर के कैन पंजाब मार्का के थे। आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि अपने रूसी होटल वाला जो है मालिक, उसका वो बैक साइड में अपने घर में उसने पंजाब से ला करके बियर की बोतलें जो है छुपा के रखी हुई है। तो उस आधार पर हमने यहाँ दबिश दी तो इनके एक कमरा में कुछ फ्रिज में से और कुछ बाहर 2 पेटियाँ बाहर टोटल 98 बोतल थंडरबोल्ट बियर की फॉर सेल इन पंजाब ओनली पकड़ी है। इस कलम मुकदमा दर्ज करके आगामी तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिद्धार्था और नगरोटा सूर्या में बाहरी राज्यों के पशुपालकों ने घुसपैठ कर असंख्य भैंसों को अवैध रूप से छोड़ दिया है। देखें रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ एरिया जवाली में बाहरी राज्यों के पशुपालक मनमानी पर उतर आए हैं। सिद्धार्था व नगरोटा सूर्या में पशुपालकों ने सैकड़ों भैंसों को अवैध रूप से छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते दूसरे राज्यों से भैंसों सहित पशुपालक यहां एंट्री कैसे कर सकते हैं, जबकि संसारपुर टेरेस व 52 नंबर गेट पर पुलिस प्रशासन की हर पल चौकसी रहती है। डीएसपी जवाली सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। डीएफओ वाइल्ड लाइफ हमीरपुर राहुल रहाणे ने कहा कि अधिकारियों को भैंसों को खदेड़ने के लिए भेज दिया गया है। उधर डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है, जल्द ही स्थानीय प्रशासन को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के मिले जख्मों से किन्नौर जिला बाहर नहीं निकल पा रहा है। पहाड़ी से मलबा गिरने से NH5 बार बार बंद हो रहा है। हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे 5 पर रविवार काशंग नाले के समीप एक बड़ी चट्टान आ गिरी, जिससे यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। इस दौरान दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि सीमा सड़क संगठन ने अवरुद्ध मार्ग की बहाली के लिए मशीनरी लगा ली है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर गिरने से मार्ग बहाली में भी बाधा हो रही है। बीआरओ के कमांडिंग ऑफिसर सर प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि पहाड़ी से भारी पत्थर गिर रहे हैं, जिससे मार्ग बहाली में समय लग सकता है। प्रदेश में रविवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि से तपते हिमाचल में ठंडक आ गई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। देखें वेदर रिपोर्ट। प्रदेश में रविवार को बारिश और ओलावृष्टि से अधिकतम तापमान में 1 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत प्रदेश के मैदानी इलाकों में 29 मई तक मौसम साफ बना रहेगा, जबकि पहाड़ों पर सोमवार को 1-2 स्थानों पर बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम साफ रहा, मगर इसके बाद आसमान में काले बादल घिर आए और देखते ही देखते बारिश का दौर शुरू हो गया। विभाग के मुताबिक शिमला में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि मंडी में 14, चंबा में 8, कुफरी में 6 और पालमपुर में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा सुंदरनगर, कल्पा और केलांग सहित धर्मशाला में भी बारिश दर्ज की गई है। और अब चलते चलते हिमाचल के लिए 5 और PSA संयंत्रों की मिली मंजूरी। राज्य में तैयार हो रही 85 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। बिलासपुर के गतवाड़ में खेतों में काम कर रहे पति पत्नी पर जंगली सुअर ने किया हमला, दोनों गंभीर जख्मी। नेरवा व्यापार मंडल की चेतावनी, 25 के बाद दुकानें खोलने की अनुमति ना मिली तो 26 डेली नीड्स की दुकानें भी बंद। और पांवटा के भूपुर में NH पर तेज रफ्तार कार का बिगड़ा बैलेंस, 30 वर्षीय युवक की मौत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी के साथ देखना ना भूलें शिमला से विशेष प्रसारण ठीक 9:30 बजे। धन्यवाद।